हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेलर बोम मशीनरी में। तो आज का ये वीडियो ग्रीस गन से रिलेटेड है दोस्तों। आज न्यू ग्रीस गन हम लोग असेंबल करेंगे और ग्रीसिंग लाइव ग्रीसिंग करके दिखाएंगे किस तरीके से ग्रीस किया जाता है और कुछ प्रिकॉशन भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा ग्रीस गन है जो टाटा हिटाची कंपनी के द्वारा जब हम लोगों ने मशीन लिया था उस समय ये फ्री दिया गया था। तो ये जो ग्रीस गन है ये ग्रोस कंपनी का है जो कि बहुत ही बेहतरीन वर्क करती है। तो आज हम लोग इसका असेंबल करके लाइव टेस्टिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, तो ये जो ग्रीस गन है देखिए हम लोग एक एक करके निकालते हैं ये सारा चीज़ के बारे में डिटेल्स। दोस्तों, ये जो ग्रीस गन है जिसका दूसरा नाम ग्रीस पंप भी है, इसका जो कैपेसिटी है ग्रीस का कैपेसिटी वो 5 kg का है। दोस्तों, इसमें हम लोग एक बार में 5 kg फिल कर सकते हैं, उसके बाद ग्रीसिंग करने के बाद फिर से जब खाली हो जाएगा तो दोबारा भरेंगे। तो दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा फ्लेक्सिबल होस पाइप है, इसे हम लोग सबसे पहले खोल लेते हैं। ये करीबन 2.5 meter का है दोस्तों, क्योंकि ग्रीसिंग करने के टाइम डिस्टेंस अक्सर होता है, आप पोकलेन या फिर जेसीबी में जब भी ग्रीस करेंगे तो डिस्टेंस रहता है, तो आप इसके थ्रू आराम से कर सकते हैं। ये जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं दोस्तों, ग्रीस मैक्सिमम फिल करने का ये मैक्सिमम पॉइंट है ग्रीस भरने का। तो दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये पिस्टन हैंडल है विथ एक्सटेंशन, और इसके साथ ये कपलर हमारा लगा रहता है इसके फ्रंट में, और ये हमारा सेटिंग दिया होगा नट बोल्ट, और ये हैंडल है दोस्तों ग्रीस हैंडल। दोस्तों, ये जो आप यहाँ पे 3 arrow देख पा रहे हैं ये आपको ग्रीस का किस तरीके का आपको प्रेशर चाहिए, कितना वॉल्यूम में चाहिए, ये लिखा हुआ है। जिसके अनुसार चाहिए उस तरह में आप सेट कर सकते हैं। तो ये हम लोग कपलर, जिसका दूसरा नाम एडाप्टर भी है दोस्तों, इससे अब हम लोग एक्सटेंशन रोड में हम लोग फिक्स करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सारा पैकिंग करके दिया गया है। ये हमारा कपलर, इसे अब हम लोग इस तरीके से सेट कर देंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग अगला जो स्टेप है ग्रीस हैंडल को सेट करेंगे। इसे सेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें 3 point है, वो 3 point कहाँ लगाना वो दिखाएंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं इसका नाम एल्युमिनियम डाई कास्ट पंप है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों इसे हम लोग इस नट बोल्ट के थ्रू हम लोग टाइट कर लेंगे। और दोस्तों, ये जो 3 point आप देख पा रहे हैं, 3 point का तीनों का अलग अलग मीनिंग है। जो पहला पॉइंट है, आप रुकिए एक मिनट दिखा रहे हैं, पहले ऐसे टाइट कर लेते हैं इसके बाद दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, जो पहला पॉइंट है इसमें हाई प्रेशर है, इसमें प्रेशर हाई होगा लेकिन वॉल्यूम कम होगा। दूसरे वाले में मीडियम वॉल्यूम है और मीडियम प्रेशर है, और जो थर्ड पॉइंट है उसमें हाई वॉल्यूम है दोस्तों लेकिन प्रेशर उसमें बहुत कम है। तो जिस तरीके से आपको मतलब जिस तरीके का ग्रीस पॉइंट है, जिस तरीके का ज़रूरत है, उस तरीके से यहाँ सेट कर लीजिए। इसके बाद आप ग्रीसिंग कीजिए, आपका ग्रीसिंग बहुत ही बढ़िया होगा दोस्तों। अभी हम लोगों ने हाई प्रेशर में सेट किया गया है और हाई प्रेशर में ही हम लोग फिलहाल करेंगे। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं इसका नाम एयर रिलीज वाल्व है। इसके थ्रू हम लोग जब भी ग्रीस में एयर रह जाता है तो इसके थ्रू हम लोग इसे रिलीज करके हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये फुट रेस्ट है, इसे हम लोग दाब के आराम से ग्रीसिंग कर सकते हैं। अब हम लोग ग्रीस खोल लेंगे और ग्रीस भर किस तरीके से भरा जाता है ये देखेंगे दोस्तों। देखिए इस तरीके से तीनों टिप हम लोग खोल लिए। अब
पूरा हैंडल सेट को हम लोग ऊपर की ओर खींच लेंगे और इसमें जितना लेवल दिया गया है उसी लेवल में हम लोग भर लेंगे ग्रीस को पूरा। देखिए दोस्तों अब ग्रीस हम लोग पूरी तरीके से इसे अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे। कैसे भर रहे हो वो दिखाइए। अच्छा लग यो विकास सावंत तो दोस्तों ग्रीस देखिए हम लोगों ने भर लिया है। दोस्तों अब जो हमारा इस तरीके से इसे हम लोग फिट कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से फिट करके हम लोग जो सर क्लिप है तीनों साइड का सर क्लिप को लगा देंगे। तो दोस्तों ग्रीसिंग करने के टाइम हम लोग बहुत बारीकी से ध्यान रखेंगे कि बालू का डस्ट जो है वो हमारा एडाप्टर वगैरह में ना चला जाए या पंप में चला ना जाए, इससे ग्रीस जो है पंप है वो तुरंत ख़राब हो जाता है, तो इससे हम लोग बचा करेंगे। दोस्तों अब हमारा ये सेट हो गया, अब हम लोग टेस्ट करके देखते हैं पंपिंग करके। देखिए दोस्तों ग्रीस हमारा निकल रहा है, इसे हम लोगों ने हाई प्रेस में सेट किया है प्रेशर में। तो प्रेशर देखिए दोस्तों ये जो प्रेशर हाई प्रेशर में है इस तरीके से निकलेगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग ग्रीस करके देखते हैं किस तरीके से ग्रीसिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हम लोग जेसीबी में बकेट का ग्रीस करके देखते हैं। पहले तो ग्रीस पॉइंट को हम लोग क्लीन कर लेंगे हाथ से, इसके बाद बोल देना कि ग्रीस एडाप्टर को लगा के पंपिंग करेंगे। दोस्तों सिंपली पंपिंग करेंगे हमारा ग्रीस हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बोल दीजिए।